नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा, आप देख रहे हैं स्टेज टाइम्स। आज हमारे साथ भिवंडी सपा के पूर्व अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष समीर मंसारी साथ में हैं। भिवंडी में कई दिनों से घर पट्टी और नल पट्टी को लेकर मामला तुल पकड़ा हुआ था। सभी राजनीतिक पार्टियां एक फ्लोर प्लेटफॉर्म पर दिख रही थी। आइए जानते समीर मंसारी का क्या कहना है। आज महापौर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसमें उन्होंने बताया कि जो मामला घर पट्टी और नल पट्टी का था वो वापस लिया जाएगा। इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के माध्यम से समीर मंसारी का क्या कहना है जानते आइए, देखते हैं समीर मंसारी का। सर, आपका क्या कहना है आज के जो मामले पर, मतलब वीडियो क्लिप आई है जावेद दलवी साहब ने जो जिस तरह से बयान दिया है और जो फेल्यूर बताया है प्रशासन के लोगों को, मनपा के कर्मचारियों को और मनपा के लोगों को, उन्होंने पूरी तरह से फेल्यूर बताया उस, और भिवंडी की जनता को एक मौका दे रहे इस तरह से उनका बयान है, आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं कि रात के 12 बजे 1 बजे महापौर साहब का वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है, ना ही कोई लिखित में दिया हुआ है, एक वीडियो वायरल हुआ है कि ये प्रस्ताव को ये वापस ले रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, जहाँ तक कि मैं भी नगर सेवक रह चुका हूँ, मैं भी महासभा काउंसिल देख चुका हूँ, मेरा मानना है कि जो प्रस्ताव, जो ठहराव, जो एजेंडा बन गया है, एजेंडे के ऊपर है, वो रात के 12 बजे 2 बजे तुम अपने घर के अंदर इसको वापस नहीं ले सकते हो। इस ये मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रस्ताव जो है 8 नंबर विषय का, ये काउंसिल में आना ही आना है। और अगर रद्द करना है तो वहाँ काउंसिल में उन्हें रद्द करना पड़ेगा, सारे नगर सेवकों को ये रद्द करना पड़ेगा। आज अगर ये प्रस्ताव रात के 12 बजे 1 बजे मेयर साहब, महापौर साहब रद्द कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वो तो रद्द वो कर रहे हैं, कोई अपनी खुशी से नहीं कर रहे। ये आज जो है, जब से ये मामला प्रस्ताव आया है एजेंडे के ऊपर, मैं समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से हम लोगों ने लेटर भी दिया, मुलाकात भी किया और अनेक पार्टियों ने उसके बाद इस मुद्दे को पूरे शहर में आवाम को गली गली जाके आवाम को जागरूक किया है। जब यह आवाम जो है भिवंडी शहर की भड़की है तो मजबूरन इन्हें यह वापस लेना पड़ रहा है। लेकिन वापस लेना है तो मुकम्मल सही तरीके से वापस ले। वापस पब्लिक को झूठा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठा बनाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो है गेम खेलने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है, रद्द हो जाएगा अभी जिस तरह से महापौर साहब ने आश्वासन दिया है? रद्द होगा, रद्द करना पड़ेगा उनको, नहीं तो भिवंडी शहर के आवाम छोड़ेगी नहीं, नगर सेवकों को मुंह पे काली लगाएगी, उनके घरों पे जाके पथराव करेगी। ये नौबत आ गई है आज भिवंडी शहर में। आज तक भिवंडी शहर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसा जो है जास्ती जुर्म जास्ती करते हुए ऐसा कोई ठहराव पास किया जाएगा। जबकि एक उदाहरण के तौर पे टोरेंट पावर को आज भिवंडी शहर झेल ही रही है। मजाक मजाक में उन्होंने जो पावर हाउस को जो प्राइवेट में देने के बाद जो मुश्किल का सामना भिवंडी वासियों को करना पड़ रहा है, दोबारा महानगर पालिका के जरिए हम लोग ये होने नहीं देंगे और ये बोझा जो है भिवंडी शहर को इस तकलीफ में आने नहीं देंगे। क्या कहना है आपका इस बारे में? और मेरा ये कहना है कि ये पूरी तरीके से जो है एजेंडा पे जो आया हुआ विषय है काउंसिल में ही रद्द होना चाहिए। काउंसिल में हम लोग 13 तारीख को चुप नहीं बैठने वाले। भिवंडी की जनता से मेरी अपील है कि 13 तारीख को महासभा अंदर चालू रहेगी, बाहर जो है समाजवादी पार्टी का धरना है और धरने में सब लोग आइए। जब तक वो महासभा में सही तरीके से रद्द नहीं हो जाता है, प्रस्ताव काउंसिल में रद्द नहीं हो जाता मुकम्मल, जो कानूनी तरीके से अगर रद्द नहीं हो जाता, तब तक जो है भिवंडी की आवाम वहाँ दरवाजा मतलब गेट नगर पालिका का गेट घेराव करके रहेगी, वो धरना वहाँ पे जारी रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। आपको क्या बोलना है जो 5 नंबर विषय एजेंडे में है? 5 नंबर विषय मेरा ख्याल है कि एजेंडे पे जो है वो पुराना ड्रेनेज लाइन का है, जो ईगल कंपनी, ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, वो 2-3 फेज में भिवंडी शहर में उसने काम करना चाहिए था। उसको जो है भिवंडी शहर में जब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो 2 साल के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उसका कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दत जो है 5/7/2017 में ही ख़त्म हो गया, जबकि उसको 99 किलोमीटर का ड्रेनेज लाइन बनाना था, लेकिन उसने सिर्फ 43
किलोमीटर का ही काम किया, बाकी का काम सब वैसे के वैसे छुटा रह गया और दो साल के टाइम पे उसने मुकम्मल नहीं किया और उसका काम घटिया होने के वजह से, घटिया भी काम होने के वजह से काफ़ी शहर के अंदर हल्ला गुल्ला हुआ, लोग उसके ऊपर एतराज़ करने लगे। तो कमिश्नर साहब उस वक्त जो थे मनसर साहब, उन्होंने देखा कि ये घटिया काम कर रहा है तो उन्होंने उसका बिल भी रुका दिया था और टाइम पर नहीं करने की वजह से उसके ऊपर 30 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया हुआ था। एक साल, मेरा ख्याल एक साल के ऊपर हो गया, काम बंद पड़ा है। लेकिन अभी जल्दी ही सुनने में आया है और देखने में आया कि स्टैंडिंग कमेटी में उसको जो है उसका जो ब्याज था, मतलब उसके ऊपर जो जुर्माना लगा था उसको उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ने माफ कर दिया, ऐसे ही माफ कर दिया। कितना जुर्माना था उस पर? 30 करोड़ रुपये का जुर्माना। मतलब 30 करोड़ रुपया स्टैंडिंग कंपनी, स्टैंडिंग ने माफ करने को लगाया महानगर पालिका ने। हाँ, माफ तो किया, उसका जुर्माना माफ कर दिया। हाँ। और उसके साथ 95 करोड़ रुपया उसका जो बकाया था वो भी बिल अदा कर दिया, जबकि वो ब्लैक लिस्ट में चले गया था, उसके ऊपर कानूनन केस होना चाहिए था। तो ये तो तरीका खेल खेल रही है। और उसके बाद अभी जो 5 नंबर विषय जो है इसके अंदर ये सुनने में आया है, देखने में आ रहा है कि जो पहले जो टेंडर था वो 403 करोड़ रुपए में पूरा होना चाहिए था वो पूरा काम, लेकिन अभी जो है ये महानगर पालिका जो है, जो काउंसिल में है, ये देखने में आ रहा है कि उस टेंडर को एक्सेस कर दिया उन्होंने और बढ़ा दिया 490 करोड़ रुपया का, जबकि वो ब्लैक लिस्ट में गया था, उसके ऊपर जुर्माना लेना चाहिए था, उसके 500 करोड़ रुपये का उसके ऊपर जुर्माना होता है, तो उसको जुर्माना माफ करने के बाद भी उसको 100 करोड़ रुपया एक्सेस दे रहे, मतलब बढ़ा के दे रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? भिवंडी का पैसा इसी तरीके से ये लोग लूट रहे, जिसके वजह से भिवंडी कर्जे में आ जाती है और भिवंडी के 8-10 करोड़ रुपया घर पट्टी नल पट्टी के बकाए के वजह से वसूली के लिए, मतलब नागरिकों के ऊपर दादागिरी और जुर्म करने के लिए तैयार है। ये ना महानगर पालिका का खेल है क्या? इसीलिए महानगर पालिका भिवंडी शहर के आवाम के फायदे के लिए, ना कि भिवंडी शहर को तकलीफ